बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 11 और 12 में हमने नाज़िम जो है हम्द कंप्लीट की थी, और लेक्चर नंबर 13 में आज हम नाज़िम नात शुरू करेंगे। नाज़िम नात के लिखने वाले एहसान दानिश हैं। 1914 में इनकी पैदाइश है और 1982 में इनकी वफ़ात है। 68 साल इनकी एज उम्र है। एहसान उलग नाम और दानिश तखल्लुस था। एहसान दानिश के कलमी नाम से मशहूर हुए। कलमी खुद से लिखा हुआ, खुद से बनाया हुआ, तहरीरी नाम भी इसे कहते हैं। कांधला ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। वालिद की माली हालत नागुफ्ताबा थी, बेहतर ना थी। अरबी और फारसी मुहाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। स्कूल में सिर्फ चंद जमातें पढ़ सके और गुरबत की वजह से तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे। मजदूरी करने लाहौर आए तो ईंटें ढोईं, मेमारी की चौकीदारी करते रहे, चपरासी रहे और माली भी रहे। मुख्तलिफ इन्होंने काम किए। इस दौरान में लाइब्रेरियों में भी जाते रहे और मुताला अपना जारी रखा। मौजू तबा थे मुनासिब तबीयत के, शेर गोई का शौक़ भी था। काजी मोहम्मद जकी की सोहबत मिली तो शेर कहने लगे। एहसान दानिश कादिर कलाम शायर थे। कादिर कलाम कलाम पर महारत रखने वाले। इनकी शायरी मशरकी अकदार की आईनादार है। आईनादार झलक, अकदार रिवायात को कहते हैं। इन्हें गज़ल और नज़्म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी, मगर इनकी शोहरत वजह शोहरत इनकी नज़में हैं। इनकी नज़्मों में जहां आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, वहां कुदरती मनाजिर की उमदा तस्वीर कशी की गई है। इन्हें मजदूर शायर भी कहा जाता है। इनके तसानीफ में हदीस ज़िंदगी, ज़िंदगी की तफसीर, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर फ़ायदा मंद, आतिश खामोश आँख की खामोशी, गोरिस्तान कब्रिस्तान, ज़ख़म व मरहम और शेराज़ा यानी बिखर जाना शामिल है। इनकी आप भी थी, इनकी अपनी ही सुनाई हुई कहानी, जहाने दानिश बहुत मकबूल हुई। अज़ीज़ तलबा, आज हम नात शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बताता चलूँ, याद रहे आपको, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मैंने बताया था कि चार अशार हिस्सा नज़म से आते हैं। आपकी टोटल 10th क्लास में टोटल जो हैं आपकी 9 नज़में हैं। उन 9 नज़मों में से याद रहे कि हम्द और नात में से एक शेर लाजमी आता है, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हम्द भी और नात भी, समटाइम्स दो शेर भी आ जाते हैं, लेकिन कम से कम एक शेर इन दोनों नज़मों में से लाजमी आता है, तो आपने इन दोनों नज़मों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब हम नात का शेर पढ़ेंगे। नात क्या होती है? नात आपको भी पता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसको नात बोलते हैं। तो लिखने वाले एहसान दानिश हैं। क्या लिखते हैं? पहले मैं शेर पढ़ूँगा, मीनिंग लिखाऊँगा, उसके बाद फिर उसकी तशरीह होगी। पहला शेर है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, गम गुसार आ गया है। दो आलम दोनों जहां, इमदादगार मददगार, अमीन अमानतदार, गम गुसार गम बांटने वाला, गम खार दर्दमंद, हम दर्द भी ठीक है। नेक्स्ट शेर है, गरीबों की जान को यतीमों के दिल को, गरीबों की जान को यतीमों के दिल को, सकून हो गया है करार आ गया है। सकून इत्मीनान, करार चैन। नेक्स्ट शेर है, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। असूल मोहब्बत, मोहब्बत के असूल, महबूब परवरदिगार, परवरदिगार का महबूब बंदा या प्यारा बंदा भी ठीक है। नेक्स्ट शेर है,
कहते अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। इरफान पहचान, एतबार भरोसा, यकीन एतमाद। नेक्स्ट शेर है कहते बुझे गाना जिसका चरागे मोहब्बत, बुझे गाना जिसका चरागे मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ीबकार आ गया है। चरागे मोहब्बत, मोहब्बत की शम्मा, बुझना ना ख़त्म ना होना, ज़ीबकार इज़्ज़त वाला, शान वाला, मर्तबे वाला, मकाम वाला। इसी नज़्म का आखिरी शेर कि ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक, कि एक खिज़र सदरह गुजार आ गया है। खिज़र से मुराद यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, जो कि भूले भटके इंसानों को रास्ता दिखाते थे। सद से मुराद यहाँ पे सो है, राह गुजार, रास्ता दिखाने वाला। इंतखाबे नात जिल्द पंजुम मौलफ अब्दुल गफूर कमर से ये नात ये है, ये ली गई है। ये हमारी ये नात थी, इसमें फिर एहसान दानिश जो है वो क्या कहते हैं, इसकी हम तशरीह करते हैं। पहला शेर मैं पढ़ता हूँ। तो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, हम खुसार आ गया है। शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा का तस्करा करते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि आप सल्लम की ज़ात अक़दस एकाम इलाही की अमीन और मखलूक की दो आलम में गमखार, मददगार और हमदर्द है। आप सल्लम की आमद से पहले अरब माशरा घटा टूप अंधेरों में डूबा हुआ था। लोगों को एक दूसरे की तमीज़ नहीं थी, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हुए पड़े थे। किसी की जान, इज्जत, आबरू, किसी चीज़ की भी महफूज की कोई गारंटी नहीं थी। ज़ुल्म व जबर और बर्बरियत का दौर था। गरीबों, बेकसों और मजलूमों की दाद रसी करने वाला और उनकी उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इन लोगों को सुकून हुआ, इन लोगों को चैन आ गया, इन लोगों को इत्मीनान हो गया कि अब हमारे हकूक़ दिलाने वाला, हमारी दाद रसी करने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारी इमदाद करने वाला, हमारे हकूक़ हम तक पहुँचाने वाला कोई आ गया है, जो कि हम जैसे भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाएगा। शायर बयान करते हैं यहाँ पर दो आलम का। तो यहाँ ना सिर्फ इस जहान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की, इन लोगों को रास्ता दिखाया, ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी संवारी, इनको ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार बताए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान मतलब दूसरे जहान आखरत का भी इमदादगार आ गया है। इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरत में भी हमारी मदद फरमाएंगे, हमारी शिफात फरमाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल सजदे में रहेंगे तो रब ताला इशारा फरमाएंगे, ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठाइए अब सजदे से सर और मांगिए क्या मांगते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यही फरमाएंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो उस वक्त भी हमारी मदद करने वाले यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे, जैसे दुनिया में हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार बताए और इसी तरह हमारी आखिर में भी मदद फरमाएंगे। दूसरे मिसरे में शायर क्या फरमाते हैं इसी शेर में, कहते अमीन आ गया है, गमखुसार आ गया है, अमीन अमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले किसी चीज़ की भी हिफाजत नहीं थी। लोग अपनी अमानतें दूसरे इवन के अपने घर वालों को भी रखवाने से गुरेज करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों को ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार बताए, उनको बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनको बताया कि भाई का रिश्ता क्या है, बहन का रिश्ता क्या है, माँ का रिश्ता क्या है, बाप का रिश्ता क्या है, उन लोगों के सामने अमली जामा पेश किया। उन लोगों को इतना यकीन हो गया फिर वो अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, ना कि अपने घर वालों के पास। जबकि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन भी मानते थे काफ़ी लोग, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानते अपनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमली नमूना पेश किया, उन लोगों को बताया कि अमानतदारी ऐसी होती है। जैसे हिजरत के वक्त हज़रत अली को बुलाया कि ये अमानतें जो हैं ये लोगों को लुटा देना और मैं हिजरत की तरफ जा रहा हूँ। एक तरफ वही दुश्मन हैं जान के दर पे हुए पड़े और दूसरी तरफ अमानतें भी
आप वसल्लम के पास ही रखवा रहे हैं और गमखार भी आप वसल्लम ही की ज़ात हैं। दूसरे शेर की तरफ देखिएगा कि तकरीबों की जान को यतीमों को दिल को सकून आ गया है, करार आ गया है। शायद नबी करीम सल्लम की तशरीफ़ आवरी का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि अरब में लोग बुराइयों और घुमराइयों में मुबतला होकर हैवानियत की आखिरी हद को छू चुके थे। जंगल का कानून जिसकी लाठी उसी की भैंस का जो है कानून राइज था। इसका एक छोटा सा वाक्य आप तशरीह में भी लिख सकते हैं, बयान करता हूँ कि जब एक फातिमा नामी अमीर औरत ने चोरी की तो कुछ लोग सिफारिश के लिए आ गए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको छोड़ दिया जाए, तो आप ने उस वक्त यही फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग थे वो इसी तरह बर्बाद हुए कि जब कोई अमीर का शख्स चोरी करता तो उसको छुड़वा दिया जाता, उसको सिफारिश के लिए लोग आते, और जब कोई गरीब शख्स या कोई औरत चोरी करती तो उसको सजा दी जाती। खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा नामी मेरी बेटी चोरी करती तो उसका भी हाथ कटवाने का हुक्म देता। तो जब यूँ कानून शुरू हुआ तो गरीबों को सुकून हो गया, इत्मीनान आ गया, चैन हो गया कि अब हमारी दाद रस्सी करने वाला, हमारी इमदाद करने वाला, हमारे हकूक हम तक पहुंचाने वाला, जो कि इससे पहले हमारे हकूक हमसे छीन लिए जाते थे, लोग हम तक हमारे हकूक पहुंचने ही नहीं देते थे, अब हमें सुकून आ गया है क्योंकि रहमत खुदाबंदी हमारे पास अब मौजूद है। उनको सुख का सहन चैन नसीब हुआ कि अब हमारी कोई ढारस बनने वाला कोई आ गया है, हमारे पुरसाने हाल कोई आ गया है, अब हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी मदद करने वाला आ गया है। अगर आप सलम तशरीफ़ न लाते तो ये दुनिया जो है इसी तरह गुमराहियों में मुबतला रहती। आप सलम ने यतीमों, गरीबों को, ज़ालमों को जुल्म ज़्यादती से निजात दिलाकर इंसाफ का दौरा किया और कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। तो इसके साथ ही वो गरीब जो थे, वो यतीम जो थे, वो मस्कीन जो थे, वो माजूर जो थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम था आप सलम की ज़िंदगी इस दुनिया में आना, आप सलम का आना। शायर यहाँ पर कि अल्ताफ़ हुसैन अली क्या खूब कहते हैं कि फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मोला। यह आप सल्लम के लिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बोले हैं ये अल्फाज। शेर नंबर 3 देखिएगा, असूल महब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार आ गया है। शायर जो है वो आप सल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला का महबूब पैगंबर वो सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लम लोगों से नरम खोई और मोहब्बत से पेश आते, उनकी बात आराम से सुनते और उनकी बात का जवाब देते। अरब के जाहिल और गवार व अजड कौम को पैगाम पहुंचाने के लिए शीरीं और मीठी जबान से काम लिया, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो अरब के जो जाहिल लोग थे वो सख्त दिल बने हुए थे, उनके लिए नरम दिल बनना पड़ता, उनके लिए मोहब्बत की जीती जाती तस्वीर जो है वो पेश करनी पड़ती। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, मैं तुमको ऐसी चीज़ ना बतलाऊँ जिसके अपनाने से तुम आपस में मोहब्बत करने लगो, क्योंकि आप सल्लम का जो जिंदगी इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि आपस में प्यार मोहब्बत बांटना, नफ़रतों को ख़त्म करना। तो सहाबा किराम ने फरमाया क्यों नहीं ज़रूर बताएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपस में सलाम वाहम करो, ऐसा करने से तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे, ऐसा करने से तुम एक दूसरे से प्यार करने लगोगे। तो उन सहाबा कराम ने ऐसा ही किया और उसके बाद देखा कि वो सहाबा कराम जो मुसलमान अभी नहीं हुए थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, थोड़े से पानी के लिए वो सदियों तक लड़ते रहते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वही काफ़ी लोग वही मुसलमान हुए और सहाबा किराम की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरह संवारने के लिए हर दम तैयार रहते थे। आप सल्लम की ज़िंदगी मुसलमानों को मोहब्बत का दर्स देने और ख़ुद उस पर अमल करते हुए सारी ज़िंदगी गुजरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बद्दू लोगों को अरब का आलम बनाया,
अरब का आलिम बनाया, यही वो लोग थे जो कि आज हम की आमद से पहले जाहिल थे, गवार थे, अनपढ़ थे, इनको किसी चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन आज हम की आमद के बाद यही लोग सहाबा किराम की शक्ल में तब्दील हुए, यही लोग दीन के खैर खा बने, यही लोग मुबल्लिग बने, यही लोग मोहब्बत का दर्स देने वाले बने, यही लोग इस्लाम की दावत देने वाले बने, क्योंकि आप ने अपनी अमली ज़िंदगी में ये सब कुछ मोहब्बत का दर्स करके दिखाया। आप ने हमेशा प्यार से गुफ्तगू की, ठहर ठहर के गुफ्तगू की ताकि लोगों को समझ आए, और मोहब्बत का पैगाम दिया ताकि आने वाली दुनिया में, रहती दुनिया में लोग जो है मुझे फॉलो करते रहें, मेरी बातों को समझते रहें। और इसी तरह ये आज तक हम देख रहे हैं कि आप की बातों पर लोग अमल करते हुए आज हम भी नज़र आ रहे हैं। तो बेटा, तो हमने आज 3 शेर पढ़ ली हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप आज आपको समझ आई होगी। तो मैं आपको डायरी लिख देता हूँ, डायरी जो है वो आप लोग तो देख रहा हूँ कि आप शुरू में 2-3 बच्चों ने डायरी जो है वो आरपी करके चेक कराई थी, तो अब तो वो भी नहीं आ रही। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग आरपी ना सिर्फ किया करें बल्कि चेक भी करवाएं कि ना तुम्हारा जो है नाथ भी है। उसके पहले 3 शेर पढ़े हैं, तो आपने शेर नंबर जो 1 है बस वही आपने रद्द करना है, वही आरपी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मुझे आरपी सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।